वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इडली। आज हमने चार ग्लास चावल लिए हैं, एक ग्लास दाल लिए हैं, उससे हम इडली बनाएंगे। हमने इसको 8 या 9 घंटे के लिए धो के रखेंगे ढाप के। अभी हम इसको वॉश करेंगे, वॉश करके 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ेंगे। भीगने के बाद हम रात में 7 से 8 घंटे होने के बाद पीसेंगे इसको। हमने 2-3 पानी से वॉश करेंगे इसको। हम इसको अब 7 से 8 घंटे भीगने देंगे, उसके बाद हम इसको रात में पीसेंगे, मतलब 7 से 8 घंटे होने के बाद। आप चाहे तो रवे से भी बना सकते हैं, हम चावल से ही बना रहे हैं, चावल और दाल से। अब हमारे चावल और दाल भीग चुकी है, अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। हमने पहले चावल लेंगे, सॉरी दाल लेंगे, दाल को हम पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना हमें, मोटा ही की जैसा दरदरा ही। अब हमारी दाल पीस के हो चुकी है, दाल को बारीक ही पीसना है हमें, चावल को थोड़ा दरदरा ही रखना है। अब हम दाल अच्छा सा पीसे जाएंगी, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसका, इडली बहुत फुली फुली बनती है इडली अच्छा सा। अब हम चावल पीस के लेंगे इसको। थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि बहुत पानी हमने फेंक चुके हैं चावल का। अभी ये पीस के हो चुका है, सिर्फ एक ही टाइप साइड से हिलाएंगे हम, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। एक चमचा नमक लेंगे भर के। हमने 1 किलो 4 ग्लास चावल और 1 ग्लास 1.5 ग्लास इतना दाल लिए थे। हमने नमक 1 चम्मच लिए हैं बड़ा। अब हम इसको फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। अब हम इसको ढक के रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए। सुबह ओवरनाइट भी कर सकते हैं। अब हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमारा फर्मेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इडली तैयार करेंगे। अब इसकी कैसा जाली जालीदार हो गया है हमारा फर्मेंटेशन। अब हम इसको देख सकते हैं आप, कितना फ्लफी हो गया है ये, गया अच्छा सा जाली जाली आ गई हमारा फर्मेंट को। और हम इसकी इडली बनाएंगे, थोड़ा अलग से निकाल के इडली बनाएंगे। अब हम इडली सांचा भरेंगे इसमें। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए एक 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे हम ढक के। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने देंगे। भी इडली बन चुकी है हमारी, देख सकते हैं फ्लफी हो गई, अच्छी सी फूल गई है। अब हम इसको निकालेंगे, देख सकते हैं आप, छुरी लगा के कट लगा के रेडी हो चुकी है इडली। अब इसको ठंडा होने के बाद हम सर्व करेंगे।
अभी हम इसको सर्व करेंगे, निकालेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ दिए थे। बहुत इजी निकल जाता है ठंडा होने के बाद। देख सकते हैं हमारे कितने इतने फ्लफी फ्लफी हो गए हैं। तो हम सांभर के साथ इसको सर्व करेंगे। आप ठंडा होने के बाद ही सर्व करें क्योंकि गर्म में नहीं निकलेगा, वो चिपक जाएगा। देख सकते हैं आप कितने फ्लफी हो गए हमारी इडली, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट और फ्लफी हो गई है। अब हम इसको सांभर के साथ सर्व करेंगे। देख सकते हैं हमारी इडली कितनी फुली फुली हो गई है, बहुत सॉफ्ट हो गई है। देखिए अब ये रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल तरीका है बहुत। हमने सांभर के साथ सर्व किया है इसको। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। बाय, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।